घर नहीं लगता। जा मेरा पुत्र, शाम को आना, मेरे ना मेजबान बैठे हैं, जाओ। साई सरदा साई जी, आज मुझे इससे बात कर लेने दे। आ करो बात। तुम्हें और कोई घर नहीं मिलता, मुंह उठा के हर दफा हमारे घर में आ जाते हो। और जा शुक्र करो पढ़ लिख गए और तुम्हारे को पैसे आ गए। नहीं तो तो नहीं तो तेरे ने की कूड़ी नहीं, तो वैसे ही रक्षे वाले ने बहुत ही सवारियां दी वजह तो अगे पाया होगा। चलो ओ इधर उधर कहां जा रहे हो, मेरी बात सुनो। चल कर, चल। पहले तो तुम फिर भी चेयरमैन थे, हम हमारी थोड़ी सी इज्जत कर लेते थे। हाजी? आज तो मेरा दिल चाह रहा था कि तुम पे फूल बरसाऊं। फूल तो नहीं है, जूतियां खाओगे। साई जी ये धांधली करके जीता था। हाँ। और अब ये हार गया। अच्छा तो जूतियां तुम्हें पढ़नी चाहिए। अभी जूतियां मैंने और बड़े काम आंदे। अच्छा जैसे कि अब क्या करोगे? मैं पायलट हूँ। मैं पायलट हो, ये एक ही बूंगियों मारता है। किस चीज के पायलट हो भाई? मैं पायलट नहीं, मैं पायलट हूँ, मैं रक्षा चलाता हूँ। तुम पायलट हो गए, रिक्शा चलाओगे? बहुत अच्छे है, अगले करोड़ रुपये खा के सदर हो सकते है, तो मैं पायलट नहीं हो सकता। जाहिल के बच्चे, उनके ऊपर मुकदमा चला था, हकूमत ने उनको बरी करार दे दिया, उन पर वो साबित नहीं हुई करप्शन। रिक्शा चलाना है तुमने? तुम्हें रिक्शा चलाना? मैं बड़ा रिक्शा चलाया। अच्छा कोई बैठा कैसे? मेरे ना तो बड़ी बड़ी ताजी मशहूर हस्ती बैठी। कौन जैसे? कौन? शेख रशीद साहब मेरे ना बैठे रक्षे च, और रक्षा वैगन च बचा शेख साहब थले डेग पा। तुमने उठाया? मैंने गिरी हुई चीज को कभी नहीं उठाया। चलो आज चलो ना सुन लेने दे। जाओ आप। आज इसकी सारी बोंगिया सुन लेने दे। फिर कौन बैठा तुम्हारे रिक्शे में? फिर कौन बैठा? फिर सरदारी साहब बैठे मेरे रिक्शे। उनके पास तो बहुत पैसे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा किराया दिया होगा तुम्हें। मैं किराया मंगया सरदारी साहब को। फिर वो कहता काका मैं खरबा खा गया, मैनू किसने नहीं पूछया, तू मामा लगता पूछने वाला। तुमसे कोई काम नहीं होना, ये देखो इतने बड़े मेहमान आए, मैं उनसे कहती तुम्हें कोई मुलाजमत दिलवा दो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। कमल साहब भावे मैं साई हाँ मैनू इन्ना तो पता ही है। लेडीज के बारे मेरा ना जरा तारफ कराओ गड्डी साई का। मैं तुम्हारा तारफ भी कराऊंगी, मैं सिफारिश भी करूंगी। कौन है? पुत्र जिसने भी इसको देखा टीला हो गया। वो आ गई है ताई जी। हाँ बैठो उधर बैठो। तुम्हारा बैठ जाओ। तारुफ मेरा तारुफ करा दो। हाँ ये माशाल्लाह मैम हमारे मोहल्ले के चेयरमैन है, बहुत नेक हैं, सिर्फ चार खून किए इन्होंने, बादल बन के फिरते ताकि इनको सजा ना हो, वैसे बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक बैंक में डकैती की भी है, और वैसे बहुत नेक इंसान है, कभी कभार नशा कर लेता है। हमारे मोहल्ले में ना तीन शादियां थी, वहाँ पे इन्होंने जहेज चुराया था, वैसे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, नेक आदमी, बहुत बुढ़िया। तेरे वर्गियां चिड़ियां अपना ही आंडा वेख के खुश हो जांदियां। नेक आदमी हमारे मोहल्ले का सबसे नेक आदमी। ताया जी कितने सही ना तुम माशाल्लाह। हां जी साडे ताया जी हो। हां जी तुहानू अकल ही नहीं, मेहमान आए हैं, तमीज ही नहीं, प्रौढ़ आए हैं, उन्होंने कोई खिदमत करो। ओ मेहमानों का था क्यों पिया? तो दादी मेरा तारफ करा दो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे साये जी, इनका तारुफ करवाएं कि ये धांधली से जीते थे, अब हार गए हैं। बस ये ना जी
धांधली से जीते थे। अच्छा जी। अब दोबारा जब रिकाउंटिंग हुई है तो उसमें हार गए हैं। ठीक। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने धरने की कोशिश नहीं की, इन्होंने रिजल्ट तस्लीम कर लिया है। ठीक। इसलिए हम ये समझते हैं कि मोहल्ले के शरीफ तरीन आदमी हैं। आज तो नहीं ना किसी की जेब काटी है। ओ ता तेरा ते अपना सलवार दी जेब अरगा मुंह आ। ओ यार मेरा सही तारक नाव गड्डी साई चेयरमैन आ तुहानू सर आप बताए मैं मुल्क का सदर बन सकता हूं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਸ਼ ਤੁਸ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚ ਕੁੱਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਕਬ ਸੇ ਬਤਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉੱਠੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਠੂੰ ਚਲੋ ਕਿਆ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ निकाले इसको चलो अंदर मेरी बात सुनो इधर ही बैठी चलो अंदर चलो हाँ बाहर चलो चलो अंदर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो चलो अंदर अंदर चलो चलो अंदर जिस जिसने इस मुल्क में करप्शन की है ना हाँ जी रहील शरीफ साहब कह रहे हैं कि चलो अंदर दूर आ जाओ यहां से दूर आ जाओ चले जाओ दूर आ जाओ यहां से भाईजान आप भी चले जाओ हमारे मेरे मेहमान बैठे हैं बेटी जाओ कौन है तुम सब लोग कहते हैं दूर हो जाओ चले जाओ यहां से हाँ चले जाओ यहां से मुझे लोग जो कहते हैं आपको पता क्या कहते हैं क्या कहते हैं मुझे कहते हैं कि आपको सांप से डर नहीं लगता अच्छा मैं कहता हूं लगता है तो कहते हैं क्यों जा रहे हो फिर ताया जी के पास यानी मैं तुम्हें सांप लगता हूं मैं नहीं कहता आपको सांप ये दुनिया वाले कहते हैं सब अंधे हैं इंसान को सांप कह रहे हैं बुरी बात सांप क्या करेगा सांप क्या करेगा क्या करेगा सांप सांप अपना मिठाई की दुकान करेगा नहीं डसेगा हाँ सांप डसेगा डसने से कुछ नहीं होगा जब इंसान इंसान को डसेगा ना तो कुछ नहीं बचेगा इधर पाकिस्तान में अच्छा इधर ना जाओ मेरे मेहमान बैठे हैं बेटा बाद में आ जाना चलो जाओ जाने के बाद आ जाओ हाँ हाँ जो आए इनसे बात ना कर सकूं क्या बात कोई बात नहीं सब अंधे हैं किसी को नजर नहीं आता आप ही अंधे हैं ओ भाई मैं अंधा कहाँ हूं मुझे पता है कि वो मोहतरम कमल जी बैठी हैं ये सलमान बैठा है ये हमारी मॉडल है भट्ट साहब ये बैठी मैं अंधा हूं अंधे हो ये गिलास नहीं पड़ा हुआ